यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आप हादसे को दावत दे रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आप तब समझेंगे जब आप भागलपुर जंक्शन की इन तस्वीरों को देखेंगे। यहाँ पर यात्रियों की खतरों से खेलकर ट्रेन पर चढ़ने की जद्दोजहद की तस्वीरें हैरान करती हैं। पैसेंजर ट्रेन में चढ़ने के लिए पटरी के दोनों ओर भारी तादाद में लोगों की भीड़ थी और सुरक्षा व्यवस्था नदारद। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब कुछ ही देर पहले इस प्लेटफॉर्म संख्या 6 से वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ हुआ और उसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। भागलपुर में रविवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 6 से अत्याधुनिक ट्रेन वंदे भारत को रवाना किया गया। इस दौरान केंद्रीय रेल राज्य मंत्री, DRM, सांसद मौजूद थे, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। लेकिन चंद घंटों में नजारा बदल गया जब वंदे भारत के जाने के बाद लोकल ट्रेन पर चढ़ने के लिए जबरदस्त भीड़ दिखी। जान जोखिम में डालकर यात्री प्लेटफॉर्म से रेल पटरी पर आर पार करते दिखे और जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो यात्रियों में भगदड़ की स्थिति हो गई। इस वक्त भागलपुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं और यहां पर प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर कुछ ही देर पहले वंदे भारत ट्रेन को यहां से रवाना किया गया, लेकिन उसके बाद की तस्वीर देखिए। उसी प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और यहां पर अभी जो धुरियान पैसेंजर है वो आने वाली है जो भागलपुर से साहेबगंज तक जाएगी, लेकिन उससे पहले आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से पटरियों पर दोनों ओर प्लेटफॉर्म संख्या 6 के दोनों ओर यात्रियों की कितनी भारी भीड़ है। लोग देखिए किस तरह से जान जोखिम में डालकर जो है वो यहाँ पर यात्रा करने के लिए पहले ट्रेन पर सीट पाने के लिए किस तरह से खड़े हैं और रेलवे प्रशासन की लापरवाही भी यहां पर कहीं ना कहीं सामने आ रही है, क्योंकि जब अभी वंदे भारत ट्रेन को यहां से रवाना किया गया तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ट्रेन को रवाना किया गया था, लेकिन अब जब उसी प्लेटफॉर्म पर कुछ ही देर बाद यहां पर धुरियान पैसेंजर पहुंचती है तो देखिए आप पटरी के दोनों ओर किस तरह से जो है यात्री खड़े हैं और सभी इस पर चढ़ने की जद्दोजहद कर रहे हैं। अब देखिए ट्रेन जो है वो भागलपुर जंक्शन घुस रही है और जंक्शन घुसने के समय क्या हाल देखिए, किस तरह से जो यात्री है वो अब पटरियों पर पार कर रहे हैं, इस पार से उस पार जा रहे हैं और अब देखिए ट्रेन यहाँ पर धीरे धीरे करके प्लेटफॉर्म पर लग चुकी है और यात्री देखिए किस तरह से यहाँ पर ट्रेन पर चढ़ने के लिए किस तरह से हड़बड़ी दिखा रहे हैं और अपनी जान को देखिए किस तरह से जोखिम में डालकर यहाँ पर यात्रा करने को विवश हैं। इससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि ये मालदा डिवीजन का भागलपुर रेलवे जंक्शन है और यहाँ पर जब एक VIP ट्रेन जो आप कहें वंदे भारत ट्रेन जो केंद्र सरकार की मुहिम थी, केंद्र सरकार का सपना था जो साकार हुआ है और उसके बाद उसी जंक्शन पर कुछ इस तरह की तस्वीर, और ऐसी तस्वीर क्यों उत्पन्न हुई क्योंकि लगातार जो यहाँ के लोकल यात्री हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि जो लोकल ट्रेनें हैं उसकी संख्या को बढ़ाया जाए। रेलवे लगातार ट्रेनों की संख्या तो जरूर बढ़ा रही है लेकिन यात्रियों का यह अनुरोध रहता है रेलवे प्रशासन से कि लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए, लेकिन लोकल ट्रेन में किस तरह से यात्री अभी यात्रा करने को मजबूर है यह तस्वीरें आप भागलपुर रेलवे स्टेशन से अभी देख रहे हैं कि जब साहेबगंज को जाने वाली धुरियान पैसेंजर यहाँ पर प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर पहुंचती है तो लोग जो यात्री हैं सैकड़ों की संख्या में जो यात्री हैं पटरियों के दोनों ओर आपको नजर आते हैं और दोनों ओर नजर आने के बाद यहां पर जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकती है तो किस तरह से जान जोखिम में डालकर आपाधापी का जो वहां पर पूरा माहौल पैदा हो गया और उस जगह पर इस तरह से लोग ट्रेन पर सवार हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही साथ उस समय जब ट्रेन प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर घुस रही है उस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि कहीं भी आपको पुलिस के जो पदाधिकारी हैं वो कहीं भी नजर नहीं आए, किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई थी। ये जो बैरिकेडिंग की गई है रस्सियों के माध्यम से ये वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए की गई थी, लेकिन अब की तस्वीर देखिए किस तरह से आपाधापी करके लोग ट्रेन पर सवार हो रहे हैं। ये देखिए कितना परेशानी हो रहा है लोकल, जहाँ कोई भी मान के चलिए कोई पैसेंजर को सबसे पहले क्या होता है कि जर्नी हम किसी तरह पूरा कर ले, जर्नी अगर आप पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं और वंदे भारत चला रहे हैं, शताब्दी चला रहे हैं, उस चलाने से थोड़ी होगा। पहले आप किसी भी प्रॉब्लम को पहले निचले स्तर से सॉल्व किया जाता है, डायरेक्टली आप ऊपर चले जाइएगा तो नहीं होगा। वैसे लोकल ट्रेन बढ़ाना है, इंटरसिटी बढ़ाना है, कम से कम वो हो ही नहीं रहा है। जनशताब्दी चला दे रहे हैं, वंदे भारत चला दे रहे हैं, वो चलाने से क्या हो जाएगा? मान के चलो जो लो लेवल का बंदा है वो जनशताब्दी है, वंदे भारत में कैसे जाएगा? सब अभी पूरा ये जो प्लेटफॉर्म है ये प्लेटफॉर्म पे कहीं आप सिर्फ सर दिख रहा था, प्लेटफॉर्म नीचे का दिख नहीं रहा था। पटरी के उस पार से अभी बहुत बंदे चढ़े हैं, बहुत सारे बंदे चढ़े हैं जान जोखिम में डाल के। सुरक्षा व्यवस्था कुछ सुरक्षा व्यवस्था के नाम पे जीरो है। इसके बाद क्या, सबसे पहले ये धुरियान पैसेंजर आने की टाइम जो थी वो टाइम से भी कितने घंटे लेट आई हुई है आप ये देखिए। इसके बाद क्या, इंक्वायरी ऑफिस में जाने के बाद पता चलता है कहाँ है तो कोई पता नहीं है कि इंक्वायरी कहाँ है, कुछ नहीं पता है। बस इतना बजे बाद 12:30 बजे खुलेगी ये, इसके बाद कोई जानकारी नहीं मिलती है। जड़ मजबूत करने के लिए किसी भी वृक्ष को मजबूत होने के लिए जड़ मजबूत होना होता है,
ऐसा नहीं कि डायरेक्टली वंदे भारत चला दिए बस मजबूत हो गया सर। परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है सर। आज तो चलिए संडे है, संडे बोल करके आज इतनी परेशानी है तो सोचिए और दिन में कितना परेशानी होता होगा, क्योंकि लोकल बंदे जो है सब नौकरी वाला है, पैती से भागलपुर नौकरी करने के लिए आते हैं, और दिन सबसे ज्यादा तो स्टूडेंट को परेशानी होता है जो कि कॉलेज में पढ़ते हैं। काफी भीड़ रहती है, अधिकतर करके लड़कियों को है ना, यहाँ लड़की बोल करके कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, बहुत भीड़ इतना रहती है, हर किसी को छेड़ा जाता है, कभी मोबाइल छीन लिया जाता है, कभी कुछ होता है, क्या परेशानी बोल तो रहे, एक परेशानी बोले तो बताए तो इसका टाइम 11:40 है अभी टाइम दिया, लेकिन इतना परेशानी होता है कि हम बता नहीं सकते। जब भागलपुर साहिबगंज धुलियान पैसेंजर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर प्रवेश कर रही थी उस दौरान कहीं एक भी आरपीएफ के या जीआरपी के जवान नजर नहीं आए। पटरी पर इस तरह की भीड़ थी जो किसी भी वक्त बड़े हादसे की वजह बन सकती थी। धुलियान पैसेंजर में यात्री भेड़ बकरी की तरह चढ़ते और यात्रा करते नजर आए। यात्रियों ने इसे लेकर खासी नाराजगी दिखाई और कहा कि लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, साथ ही जरूरत है कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए ताकि इस तरह के हालात न हो। भागलपुर से शिवम की रिपोर्ट।